हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्निकल चैनल मिस्टर वॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम विंडोज 11 की टॉप 20 प्लस जो है शॉर्टकट कीज को जानेंगे, जो कि आप सभी की अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो अगर आप सभी इन सभी कीज को जान जाएंगे तो फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सपीरियंस जो है विंडोज़ 11 के साथ और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आप सभी क्विक सेटिंग मेन्यू को ओपन करना चाहते हैं तो आप सभी को सबसे पहले विन के साथ जो है ए को प्रेस करना है। जैसे आप विन प्लस ए करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्विक सेटिंग मेन्यू आ गया। इसको हाइड करना है तो विन प्लस ए कर दीजिए, ये हाइड हो जाएगा। तो अब की बार से अगर आपको डायरेक्टली एक्सेस करना हो क्विक सेटिंग मेन्यू को तो विन प्लस ए इस शॉर्टकट की को आप सभी को याद रखना है। अगर आप सभी चाहते हैं कि इस वाले जो हिडन आइकन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, हिडन ड्रॉप डाउन मेन्यू जो आपको लगभग हर विंडोज़ के वर्जन में देखने को मिलता है, अगर आप सभी को इसको डायरेक्टली एक्सेस करना है कीबोर्ड के थ्रू तो आप कैसे करेंगे? आपको विन के साथ बी को प्रेस करना है और यहाँ पे एंटर कर देना है। इससे जो है आपके जो हिडन आइकन्स हैं आपके कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन चल रही है तो इस मेन्यू को जो है आप इस तरीके से एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप सभी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का चैट ओपन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे विन के साथ सी को प्रेस करना है तो आप यहाँ से जो है इसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा तरीका है। अगर आप सभी डायरेक्टली एक्सेस करना चाहे इसके चैट रूम को तो आप जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम को डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब अगर आपको मानिए कि आपको जो है आपने यहाँ पे मान लीजिए कि कोई विंडो ओपन कर रखी है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिस्टम में दिस पीसी यानी माय कंप्यूटर ओपन कर रखा है, इसको हाइड और अनहाइड करना है। यानी किसी भी केस में हो सकता है, जरूरी नहीं कि इसी केस में आपने कोई भी एप्लीकेशन कुछ भी ओपन कर रखा हो, तो आपको विन के साथ डी करना है तो डायरेक्टली जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। आपको इसको रिस्टोर करना है तो विन प्लस डी कर दीजिए, ये वापस से रिस्टोर हो जाएगा। ये चीज़ खाली यहीं वर्क नहीं करेगी, सब जगह वर्क करेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में भी यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे मैं विन प्लस डी करता हूँ तो देखिए डाउन हो गया। विन प्लस डी करूँगा तो वापस से रिस्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसको मिनिमाइज और रिस्टोर जो है कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर आप सभी को माय कंप्यूटर को ओपन करना है डायरेक्टली तो कैसे करेंगे? तो विन के साथ आपको ई करना है तो यहाँ पे देखिए फाइल एक्सप्लोरर जो है आप सभी के सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है अगर आप सभी माय कंप्यूटर को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है क्लिक करना बंद कर दीजिए और कीबोर्ड से विंडोज़ प्लस ई को यूज़ करके डायरेक्टली फाइल एक्सप्लोरर को आप यूज़ कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी टेक्निक है, इस टेक्निक का आप सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सभी गेम खेलने के शौकीन हैं और मल्टीपल डिस्प्ले सेटअप इस्तेमाल करते हैं तो, और अगर आप गेम बार को एक्सबॉक्स के गेम बार को अपने सिस्टम पे अपने हिसाब से कस्टमाइज या पर्सनलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट है विंडो प्लस जी। जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको लगभग सारे ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएंगे और इसके अंदर जो है विजेट्स के और भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके पास मल्टीपल सेटअप है, ठीक है, तो आप सभी इसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये आपकी, अगर आप सभी गेमिंग वगैरह करते हैं तो ये ऑप्शन जो है आप याद रखिएगा। अगर बाय चांस आप सभी को जैसे एमएस वर्ड में या नोटपैड में टाइप करने में थोड़ी सी अगर दिक्कत होती है और आप चाहते हैं कि मैं खाली वॉइस के थ्रू टाइपिंग करूं तो वो भी फीचर आपको विंडोज़ के अंदर देखने को मिल जाता है। आपको सिंपली विन के साथ एच की को प्रेस करना है तो यहाँ पे आप देखिए आपके साथ जो है माइक्रोसॉफ्ट की स्पीच सर्विसेज यहाँ पे आ गई है। अब इसके बाद जो है आप इसको प्रेस करके जो भी बोलेंगे ये वहाँ पर ऑटोमेटिक टाइप करने लग जाएगा। और अगर आप ओपन अपनी जो कंप्यूटर की सेटिंग्स हैं उनको डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं तो विन के साथ आपको आई प्रेस करना है तो आप देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की सेटिंग्स जो है ओपन हो गई है। तो यहाँ से अगर अगली बार से अगर आपको सेटिंग्स को ओपन करना हो तो याद रखिए शॉर्टकट की विन प्लस आई, तो देखिए सेटिंग्स जो है डायरेक्टली आप ओपन कर पाएंगे। अगर आप सभी अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को कास्ट करना चाहते हैं तो आपको विन के साथ के को प्रेस करना है तो देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, आपके जो भी डिवाइसेस हैं उनकी यहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएगी। तो उसके बाद जो है फ्रेंड्स आप सभी अपने डिस्प्ले को किसी दूसरे डिस्प्ले पे जो है कास्ट कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और इसकी हेल्प से जो है अगर आप सभी ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प ये करने वाली है। अब नेक्स्ट ट्रिक की साइड जानते हैं फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस को जो है ओपन किया हुआ है, इसको भी, ठीक है, आपने मान लीजिए बहुत सारी एप्लीकेशंस को ओपन किया हुआ है और आप सभी चाहते हैं कि सभी एक साथ मिनिमाइज़ हो जाए,
एक ही बार में आपको अलग अलग करके जो है मिनिमाइज ना करना पड़े। तो शॉर्टकट की याद रखिए Win+M। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी एप्लीकेशंस एक ही बार में मिनिमाइज हो गई, ठीक है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप सभी इसके थ्रू जो है इस शॉर्टकट की के थ्रू मिनिमाइज कर सकते हैं सभी एप्लीकेशंस को एक ही बार में। अगर आप सभी चाहते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन सेंटर है उसको आप एक्सेस कर पाएँ उसके कैलेंडर को, तो आपको यहाँ पे क्लिक ना करना पड़े। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ एक शॉर्टकट की जो कि आप सभी के बहुत ज़्यादा काम आएगी, जिसका नाम है Win+N। तो जैसे ही आप इसको Win+N करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है आपका कैलेंडर जो है और आपका जो मेन्यू है ये जो है ओपन हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन सेंटर जो है आप यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। अगर आप सभी चाहते हैं कि आपका जो डिवाइस का ओरिएंटेशन है जो स्क्रीन का वो लॉक हो जाए, ठीक है, मान लीजिए कि आप इसको कभी ऐसे करके चला रहे हैं, खास तौर पर टैब वगैरह में काफ़ी दिक्कत होती है और सरफेस के जो लैपटॉप वगैरह आते हैं या दूसरे लैपटॉप्स में भी, तो आप अगर इसको लॉक करना चाहते हैं तो सिंपली आपको विन के साथ ओ प्रेस करना है, जो आपका स्क्रीन ओरिएंटेशन है वो जो है लॉक हो जाएगा। इस टाइम मैं अपनी स्क्रीन पे करके नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको एक लैपटॉप में अभी कर रहा हूँ, मेरे लैपटॉप में फीचर काम नहीं करता है, लेकिन आप सभी समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप सभी चाहते हैं कि आपका जो स्क्रीन मोड है वो अलग अलग डिवाइसेस पे, यानी अलग अलग जो आपकी डिस्प्ले है उस पे शो हो, और आपने मल्टीपल्स कनेक्टर और आपने जो है मल्टीपल्स डिस्प्ले जो है कनेक्ट कर रखे हैं तो उस पे जो है आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो आपको विन के साथ पी को प्रेस करना है, तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा प्रोजेक्ट करने का। तो स्क्रीन ओनली करेंगे तो खाली स्क्रीन का जो है ये प्रोजेक्ट कर देगा, डुप्लीकेट करेंगे तो डुप्लीकेट में क्या होगा फ्रेंड्स कि आपके जो यहाँ पे काम करेंगे वही काम जो है आपके दूसरे सेटअप मॉनिटर पे भी दिखेगा। आप एक्सटेंड कर देंगे तो एक्सटेंड में क्या होगा कि आपके पास एक इधर का एरिया आ जाएगा और सेकंड एरिया आपका सेकेंडरी स्क्रीन का आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ओनली कर देंगे तो आपका यहाँ से इस वाली डिस्प्ले से स्क्रीन चल जाएगी फर्स्ट वाली स्क्रीन पे, सॉरी सेकंड वाली स्क्रीन पे, अगर आप सेकंड ओनली करेंगे तो वो फर्स्ट वाली जो है हाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है प्रोजेक्ट का जो है इस्तेमाल जो है मल्टीपल स्क्रीन पे कर सकते हैं। और आप सभी अगर चाहते हैं कि आप जो है विंडोज 11 के अंदर ओपन सर्च डायरेक्टली ओपन करें तो आपको विन के साथ एस को प्रेस करना है, तो यहाँ पे जो है ओपन सर्च जो है यहाँ पे आ जाएगा। इसकी हेल्प से जो है आप कोई भी अगर सर्चिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से सर्चिंग कर सकते हैं। और फिर चलते हैं नेक्स्ट की साइड। अगर आप सभी Win+T करेंगे तो जो है फ्रेंड्स आप सभी अपने टास्क बार की ऐप पे जो है यहाँ पे देखिए एक्सेस कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे विन के साथ टी को प्रेस किया तो देखिए जो भी मेरी एप्लीकेशंस यहाँ पे ओपन है और टी को प्रेस करते जा रहा हूँ तो जितनी एप्लीकेशंस हैं फ्रेंड्स खाली ये उसी पे जाएगा। मैं और कहीं अगर इसको यहाँ पे मूव कराऊंगा तो और कहीं यहाँ पे मूव नहीं होगा, आपको बस विन के साथ टी को जो है प्रेस करना है और जो भी आप एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं उस पर आके एंटर कर दीजिए, वो जो है ओपन हो जाएगी। तो बहुत अच्छी टेक्निक है, इस टेक्निक का आप सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की साइड। अगर आप सभी चाहते हैं कि आपका जो कंप्यूटर का जो क्लिपबोर्ड है और उसकी हिस्ट्री वगैरह आप देखना चाहते हैं तो आपको विन के साथ वी को प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड आ जाएगा, आप इसको टर्न ऑन कर दीजिए। जैसे आप इसको टर्न ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप जितनी भी कॉपी पेस्ट करेंगे एक बार में दो बार में तो सभी की डिटेल्स जो है यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, और शायद मैक्सिमम जो है ये 20 टाइम्स तक जो है कॉपी कर लेता है। तो आप यहाँ से जो है इसकी क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इस ऑप्शन का आप सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सभी अपने कंप्यूटर के विजेट्स को ओपन करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तब ये विजेट्स मेन्यू जो है यहाँ पे ओपन होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप शॉर्टकट की के थ्रू करें तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको विन के साथ W को प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए ये विजेट मेन्यू ओपन हो गया, दोबारा W को प्रेस करेंगे हाइड हो जाएगा। तो जब भी आपको इसको ओपन करके देखना हो तो आप जो है इस तरीके से Win+W करके इसको ओपन कीजिए और यहाँ से जो है अपने विजिट मेन्यू को आप जो है एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप सभी चाहते हैं कि आप जो है अपने टास्क बार के क्विक लिंक्स मेन्यू को डायरेक्टली एक्सेस करें तो कैसे करेंगे, आपको विन के साथ एक्स को प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है यहाँ पे क्विक लिंक्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसकी हेल्प से जो है आप पावर ऑप्शंस, ठीक है, सिस्टम मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है, ये सभी चीज़ों को आप जो है यहाँ से ओपन कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप सभी इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो है खास तौर पे अगर आप सभी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जैसे Win+X, तो इसको मैं खास तौर पर जो है टास्क बार के लिए इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि मैं टास्क मैनेजर को ओपन करना हो तो इस केस में मैं इस ऑप्शन का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि यहाँ से जो है फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट ने ये ऑप्शन जो है अभी फ़िलहाल में हाइड किया हुआ है।
तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, पुरानी हैबिट है, तो इस नई हैबिट को जो है आप विंडोज़ 11 के साथ अपने आप को ढाल लीजिए, क्योंकि अब आपको ऐसे ही टास्क बार को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की साइड। अगर आप सभी को इमोजी पैनल को ओपन करना है तो विन के साथ आपको डॉट प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए, आप सभी के पास इमोजी पैनल आ जाएगा। ये नया इमोजी पैनल है जो कि इसके अंदर हमें देखने को मिलता है विंडोज़ 11 के अंदर। ये चीज़ हमें विंडोज़ 10 के अंदर भी देखने को मिलती थी, लेकिन इन्होंने जो है विंडोज़ 11 के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे कर दिए हैं। तो जो है आप सभी इसको एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप सभी अगर इमोजी पैनल को एक्सेस करना चाहते हैं तो विन प्लस डॉट। अगर आप सभी अपने कंप्यूटर में टास्क व्यू को ओपन करना चाहते हैं कि कौन कौन से टास्क चल रहे हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई, मेरे को ये जो है शॉर्टकट के थ्रू देखना है, तो आप कैसे चेक करेंगे? तो आपको विन के साथ टैब की को प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है आप अपने टास्क व्यू को ओपन करके देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो है अपनी स्क्रीन का जो ऐप्स वगैरह है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और आप जो है यहाँ पे इसको स्नैप करने के आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। आपने इसको इस तरीके से लाइन कर दिया, फिर सेकंड वाली को आपने इस तरीके से यहाँ पे लाइन कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इससे जो है आप अपने हिसाब से जो है कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू अरेंज करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको फुल स्क्रीन पर कर रखा है अभी, और इसे मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली अब मैं कीबोर्ड से इसको चेंज करूँ, तो विन के साथ आपको एरो कीज़ को प्रेस करना है। अगर आप अप वाला एरो की करेंगे तो देखिए यहाँ चल जाएगा, डाउन वाला करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, राइट वाला करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेफ़्ट वाला करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो जो है आप सभी इस तरीके से जो है अपनी एप्लीकेशंस को अपने स्क्रीन के हिसाब से जो है अपने लेआउट के हिसाब से स्क्रीन के लेआउट के हिसाब से आप इसको जो है सेट कर पाएंगे। अगर आप सभी अपने कीबोर्ड का लेआउट चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो कीबोर्ड लेआउट है, एक तो इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम्स और दूसरा इंग्लिश इंडिया, इसको अगर आप जो है स्विच करना चाहते हैं कीबोर्ड की हेल्प से, तो विन के साथ आपको स्पेस बार दबाना है। तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया इंग्लिश प्लस यूके, मैं दोबारा करूँगा तो इंडिया पे स्विच हो जाएगा। वो बाकी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आपने कितने लेआउट्स को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो मैंने जो है दो लेआउट्स को यहाँ पे ऐड किया हुआ है, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट आता है और सेकंड लेआउट मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से जो है आप अपने कीबोर्ड के लेआउट को स्विच कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, ये सारी जो है टिप्स एंड ट्रिक्स आप सभी के जो है बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। इन सभी शॉर्टकट कीज़ को अपने फिंगर टिप्स पे एडजस्ट जरूर कर लीजिए। तो कौन सी शॉर्टकट की आप सभी को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।